हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनिता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बहुत दिनों से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि अनिता जी ब्रेकफास्ट बनाइए, सुबह का नाश्ता आसान हो बनाना। बहुत से हमारे छोटे छोटे बच्चे बोले थे कि अनिता जी कुछ ऐसा रेसिपी बताएं जो हम इसे 5 मिनट के अंदर बना पाएं। तो मैं आपको वही रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ, बेसन का चिल्ला। बहुत ही झटपट बन जाता है और सुबह का बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी नाश्ता है। इसे आप 5 मिनट में आसानी से बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसन के चिल्ला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 250 ग्राम बेसन ले ली हूँ, चाल के ले ली हूँ छन्नी से, और यहाँ पे एक बड़ा साइज का प्याज बारीक काट ली हूँ। इसे हम डालेंगे बेसन में ही। अगर आप प्याज खाते हैं तो ही डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 हरा मिर्चा ले लिए हैं काट के, इसे भी डाल लेंगे। 1 गाजर था हमारे पास वो भी ले लिए हैं, इसे भी डाल लेते हैं। थोड़ा सा शिमला मिर्च बचा हुआ था ये भी डाल लेते हैं। मतलब कि आप सब्जियाँ अपने पसंद के अनुसार आप डाल सकते हैं या बिना सब्जी डाले भी बना सकते हैं। अब यहीं पे हम डालेंगे सेंधा नमक। आप चाहें तो रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ क्योंकि उनका भी फैट लॉस करना है, तो उन्हीं के लिए मैं ये चिल्ला बना रही हूँ। और आप लोग इसे चाहें तो रेगुलर सॉल्ट डाल के भी बना सकते हैं। तो देखिए हम स्वाद अनुसार नमक डाल लिए। अब इसे हम घोलेंगे। इस तरीके से आप घोल लें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही घोलें, नहीं तो गीला हो जाएगा तो फिर चिल्ला मज़ा नहीं आएगा बनाने में। तो आप इसमें चाहें तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं कलर के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। देखिए इतना हम गाढ़ा घोले हैं। तो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल ही लेती हूँ, क्योंकि कलर अच्छा दिखेगा तो आप लोगों को वीडियो में भी अच्छा दिखेगा, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच डाल लेते हैं हल्दी और चलते हैं झटपट बनाने। तो बस इसमें इतना ही काम है। तो मैं इसे लकड़ के चूल्हे पे बनाऊंगी। आप चाहें तो इसे गैस पे बना सकते हैं तुरंत का तुरंत। तो चूल्हा थोड़ा सा पकड़ने में टाइम लगता है, लेकिन मैं तो चूल्हे पे ही बनाती हूँ। दोस्तों आपको ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है या कहीं जॉब पे जाना है तो आप इसे गैस पे ही बनाएं, झटपट बन जाए। साई बाबा। तो चूल्हा जल गया है, इसके ऊपर हम एक तवा रख लेते हैं। तवा पर देसी घी डालेंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तवा गर्म होने का इंतजार करेंगे। तो एक कच्छी हम घोल को उठाएंगे और तवा के ऊपर डालेंगे। तो मैं पहला चिल्ला डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये वेजिटेबल चिल्ला है तो ज़्यादा पतला ना करें, थोड़ा मोटा ही रखें। अगर आप सिंपल चिल्ला बनाते हैं तो जैसा मर्जी पतला कर सकते हैं। तो बस हम इतना ही पतला करेंगे। किनारों पे 1-2 बूंद घी डाल दें। देखिए एक तरफ से ही हमारा चिल्ला कितना सा सिक गया है। तो ये चूल्हा का आँच बराबर नहीं लग रहा है। इसे अब हम पलटेंगे। तो चिल्ला को हम पलट दिए हैं, बहुत ही अच्छा सीखा है। आंच बराबर ना लगने के कारण यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सीख गया, यहाँ पे कम सीखा है। इसके बाद वाला बनाऊंगी तो और अच्छा बनेगा। तो दोनों तरफ से हम अच्छे से सेकेंगे।
कच्चा ना रह पाए। एक चिल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है, मैं आगे पीछे से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया सिका हुआ है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में और दूसरा भी हम ऐसे ही बनाएंगे। थोड़ा सा घी फिर लगाएंगे। सेम एक करछी हम बेटर लेंगे और तवे पे डाल देंगे और हल्के हाथों से फैला देंगे। जितना आप फैला पाएं उतना ही फैलाइएगा। इसमें भेजी है तो ज़्यादा नहीं फैल पाएगा। ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए कितना अच्छा चिल्ला हमारा पक रहा है। साइड साइड से थोड़ा थोड़ा घी डाल दें और अच्छा से क्रिस्पी होने दें। देखिए कितना अच्छा बन रहा है। जब सुनहरा कलर का हो जाए तो इसे पलटें। अब इसे हम पलटते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया, वाव। थोड़ा थोड़ा घी फिर से डाल देंगे। अगर कम घी खाते हैं तो कम घी डालें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। मैं भी कम डाल रही हूँ। अब बिल्कुल क्रिस्पी ऊपर से नीचे से तल के इसे तैयार करें। आप इसे ऑफिस में भी ले आ सकते हैं लंच में, बड़ा मज़ा आएगा सभी को खा के। अगर आप दोस्तों के साथ लंच करते हैं तो वहाँ पे ले जाइए, देखिए कैसे छीना झपटी होता है। कोई बोलेगा हम खाएंगे, कोई बोलेगा हम खाएंगे। देखिए कितना बढ़िया पक रहा है। इसी तरीके से हमें सारा चिल्ला को बना लेना है। दोनों तरफ चालक पलट के इसे क्रिस्पी कर लें। और इसमें कोई सब्जी की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो रेड केचप के साथ खा सकते हैं। ये ऐसी चटपटा लगता है, बहुत ही अच्छा। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये गया प्लेट में। दूसरा भी चिल्ला हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो है ना आसान दोस्तों बनाना। सुबह का नाश्ता हम सर्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों रेड केचप के साथ सर्व की हूँ। आप चाहें तो इसे धनिया पुदीना की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसे बहुत ही टेस्टी लगता है रेड केचप के साथ। तो आप चाहें तो इस तरीके से रोल बना के भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो सुबह का नाश्ता बनके तैयार है दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। दो चिल्ला एक जन के लिए काफ़ी है। तो मैं तो जा रही हूँ इसे खाने और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगी। आप भी इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। कैसा लगा टेस्ट ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आऊँगी दोस्तों। जब तक ये वीडियो आप लोग इंजॉय करें और अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें कि हम कैसा बनाए हैं चिल्ला। फिर मिलती हूँ, बाय बाय। लो खाओ। पाइए दोस्तों, इंतज़ार किस चीज़ का है। आज तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये हमारा सुबह का नाश्ता है। ये है बेसन के चिल्ला, देख सकते हैं कितने बढ़िया चिल्ला लग रहे हैं। और भाई इसमें खूब वेजीज हैं, खूब सारी वेजिटेबल डली हुई है। और ये हमारा आज का सुबह का नाश्ता है और अभी इसी को खाएंगे हम। तो फर्स्ट मील में ले रहे हैं। बढ़िया है। ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म चिल्ला भी आ गया। गर्मा गर्म चिल्ला में बहुत मज़ा आता है।
भाई जिसे जितना सोचा था उसमें तो काफी बढ़िया है।